अब क्या ही बचा है कुंद्रा के लिए कहने को। कमाई के चक्कर में राज कुंद्रा ने ऐसी कालिक पुताई कि मुंह छुपाई के लिए जगह ही नहीं बची। कुंद्रा का चरित्र आरोपों की डर्टी पिक्चर का जिंदा इश्तिहार बन गया है। पुलिस कहती है कि बेलगाम बेशर्मी के बीच कुंद्रा ने नीली फिल्मों का उद्योग रच लिया था। सारी शराफत हॉटशॉट नाम के ऐप पर अपलोड होती रही। राज कुंद्रा और केंद्रीन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी हॉटशॉट्स नाम के ऐप के जरिए। हालांकि ये कंपनी केंद्रीन और हॉटशॉट्स लंदन में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका पूरा कंटेंट क्रिएशन ये राज कुंद्रा इनके मुंबई स्थित ऑफिस से किया जाता था। कहते हैं बुद्धि का मेल अगर काले कारोबार से हो जाए तो पेट के बल पड़ा आदमी भी मुनाफा कूट देता है। घर में टकसाल खुल जाती है और कुंद्रा के साथ तो यहाँ सब कुछ था। खूबसूरत लड़कियां थीं, रुफैले पर्दे का ग्लैमर था, माया नगरी की माया थी, फिल्मी दुनिया की चकाचौंध थी और इन सब से फला फूला था कुंद्रा का नीला धंधा। ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था या कुछ शॉट्स लिए जाते थे और इस शॉट्स में थोड़ा सा बोल्ड सीन करना पड़ेगा। वो बोल्ड का ट्रांसलेशन धीरे धीरे सेमी न्यूड और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशन जाते थे, जिसमें ये महिला कलाकारों ने अपोज किया था और इन्हीं में से कुछ क्राइम ब्रांच के पास आई थी, जिसकी वजह से ये गुनाह दाखिल हुआ था। अश्लील फिल्मों के जिस केस में राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसकी शुरुआत करीब 5 महीने पहले 4 फरवरी को हुई थी, जब मुंबई के मालवाणी थाने में पहुंचकर एक महिला ने कुछ सनसनीखेज खुलासे किए। तब केस दर्ज हुआ था और तभी से क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की थी। आरोपों के मुताबिक कुंद्रा मलाड पश्चिम के एक बंगले में अश्लील फिल्मों की शूटिंग करते थे। कुंद्रा अश्लील वीडियो की डीलिंग करते थे। हॉटशॉट नाम के ऐप पर वीडियो अपलोड होता था। इतना ही नहीं, आरोपों के मुताबिक कुंद्रा एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे। इस ग्रुप में कुल 5 लोग शामिल थे। ग्रुप में अश्लील फिल्मों के कारोबार पर चर्चा होती थी, मॉडल को लाना, शूटिंग, सेल्स और मॉडल्स की पेमेंट पर बात होती थी। उनके ऑफिस से हमको अग्रीमेंट के पेपर्स मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ईमेल्स मिले हुए हैं, फिर अकाउंट्स की पूरी शीट्स मिली हुई है, व्हाट्सएप चैट्स मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें और पोर्नोग्राफिक क्लिप्स अभी वहां से बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक कुंद्रा की कंपनी व्यान के अकाउंट में विदेशी पैसा है। इसकी जानकारी जुटाने के लिए कुंद्रा का फोन भी सीज किया गया है। कुंद्रा को पुलिस ने कीला कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उनकी कंपनी के आईटी हेड रियान और कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। जाहिर सी बात है कि कुंद्रा की मुश्किलें एक बार फिर सर उठाए हैं। 8 बरस पहले सट्टाबाजी के खेल में वो जेल जाते जाते बचे थे, मगर इस बार उनकी आजाद जिंदगी पर नीली फिल्मों के आरोप ने लिख दिया है पैकअप।